आगे, जहां बीजेपी अपने निष्क्रिय नेताओं की एक लिस्ट तैयार कर रही है और जल्द ही संगठन में बदलाव करेगी। दरअसल चुनावी साल में बीजेपी अब जमीनी फीडबैक बना रही है, ये रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश में चुनावी साल है और ऐसे में लगातार राजनीतिक दल अपने अपने संगठनों पर खास ध्यान दे रहे हैं। बीजेपी की बात करें तो लगातार बैठकों के माध्यम से मध्य प्रदेश की जमीनी हकीकत को खंगाला जा रहा है और जमीनी फीडबैक के आधार पर अब रिपोर्ट भी तैयार की जा रही है। बीजेपी का प्रदेश संगठन अब जल्द ही निष्क्रिय नेताओं की एक सूची तैयार करने जा रहा है। ये ऐसे नेता है जो पद लेकर घर में बैठ गए हैं। हालांकि बीजेपी अपने निष्क्रिय नेताओं को लेकर खोलकर सामने नहीं आ रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सदा सक्रिय रहने वाली पार्टी है। यहाँ कार्यकर्ता भी लगातार सक्रिय रहता है, बल्कि कहें तो ज़्यादा सक्रिय रहता है। भाजपा में कोई निष्क्रिय कहीं किसी स्तर पर नहीं है, सब सक्रिय हैं। चुनाव का समय है, जैसे शादी विवाह आते हैं ना, तो सबकी सक्रियता बढ़ जाती है। कोई कोई काम में लगता है, कोई दूसरे काम में लगता है, तो वैसे ही अब लोकतंत्र का उत्सव है चुनाव। चुनाव अगर सामने आ गए हैं तो हर एक अपने अपने काम में लगेगा। माना जा रहा है कि आने वाले समय में जल्द ही बीजेपी के संगठन में एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। वहीं इस मामले को लेकर अब कांग्रेस बीजेपी पर चुटकी ले रही है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी को पहले ये डिसाइड करना पड़ेगा कि निष्क्रिय और भ्रष्ट में अंतर क्या है। निष्क्रिय के साथ एक शब्द और जोड़ लीजिए, भ्रष्ट। इन दोनों को जनता हटा रही है, अब भाजपा किसको क्या हटाएगी? भारतीय जनता पार्टी का कुनबा जनता में एक नफरत के रूप में अंगीकार हो चुका है, स्वीकार हो चुका है। तो अब जनता उन्हें हटाएगी, भाजपा के नेता अब किसी नेता को नहीं हटाएंगे। निष्क्रियता और सक्रियता की पहचान क्या? दो तरह की निष्क्रियता और सक्रियता होती है, एक भ्रष्टाचार में सक्रिय और एक भ्रष्टाचार में निष्क्रिय। तो जो निष्क्रिय हैं बेचारे, वो कार्यकर्ता हैं, क्योंकि उनको कुछ मिला नहीं। जाहिर सी बात है, चुनावी समय में हर राजनीतिक दल उन नेताओं पर फोकस करेगा जिसमें पार्टी के लिए काम करने का जोश और जज्बा हो। ऐसे में अगर कोई नेता पद लेकर घर बैठ गया है तो इससे सिर्फ पार्टी को नुकसान होगा। शायद यही वजह है कि बीजेपी का प्रदेश संगठन अब अपने निष्क्रिय नेताओं की एक बड़ी सूची तैयार कर रहा है। ये माना जा रहा है कि आने वाले समय में बीजेपी में बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं, और ये बदलाव इसलिए ताकि पार्टी में अगर कोई कार्यकर्ता मौजूद है और अगर उसको कोई पद दिया गया है तो वो अपने कार्य को सकुशलता के साथ करे। अगर वो निष्क्रिय है तो उसे बीजेपी से हटाया जाएगा। देखना होगा कि पार्टी जब पूरी सूची तैयार करेगी तो आखिर किन किन नेताओं पर गाज गिरेगी और इसका आने वाले समय में कितना फ़ायदा मिलेगा। वीडियो लिस्ट अभय के साथ जितेंद्र शर्मा, न्यूज़ स्टेट भोपाल।